की पता है। मैं बोला क्यों सर? मेरे मामा जी आए हैं, उनको विश्वास दिलाना है। बोला क्यों, मामा का विश्वास नहीं है? नहीं सर, मामा ये बोल रहे हैं ये सब किराए की गाड़ी लेके आते। बोला यार किराए की गाड़ी होती तो ये लोग प्लेट होता। बोला नहीं, ऐसे भी लोग किराए पे देते, आप उसको दिखा दो, बस प्लीज दिखा दो, इतना दिखा दो। बोला ठीक है। बोला मामा को, मामा जी आए और अच्छे जॉब पे थे मामा जी, सूरत में डाई की कंपनियां, मतलब जो कपड़ों की डाई में काम करते उनको लाखों की सैलरी होती, अच्छे डाई मास्टर थे। मैं पूछा क्या काम करते, बोले मैं डाई मास्टर हूँ, और अच्छी इनकम थी उनकी, 1.5-2 लाख की सैलरी थी। मैंने कहा देखिए मामा जी, मैं तो सब दिखा दूंगा, आप जो मांगो सब दिखाऊंगा। जैसे आपकी कंडीशन है, गाड़ी का पेपर दिखाओ, मेरी भी एक कंडीशन है। बोले क्या? बोला आपको बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। बिजनेस शुरू करना पड़ेगा। बोल रहा है आप पे लगे मेरा भांजा कर रहा है, भांजा नहीं तू कस। बोले हाँ कर लूंगा। बोले नहीं, आप तो इतनी अच्छे जॉब पे हो, कम से कम 1 लाख का माल खरीदो। बोले इतना मैं कैसे बेचूंगा, मैं तो डाई मास्टर। बोला तू मत बेच, तेरा भांजा बेचेगा, तू खरीद। कंडीशन मंजूर है, गाड़ी का पेपर दिखाता। नहीं नहीं मैं ऐसे ही बोल रहा था, आप तो मतलब बुरा मानने की क्या बात है सर, आप भी बिजनेस में, आपकी बात सही है, मेरी भी बात सही। चलो मैं गाड़ी का पेपर दिखाता हूँ। मैंने उनको अपनी आरसी बुक दिखाई, मेरा नाम देखा है राजेश यादव, फिर मैंने अपना पैन कार्ड दिखाया, बोला ये भी देख ले। फिर मैं शक्ल बोला वापस देख, मैं छोटी की नहीं होती है। हाँ तो डाउट है ना, डाउट आदमी को कुछ भी डाउट होगा। बोलेगा तू राजेश यादव है, क्या गारंटी है? बोला आधार कार्ड भी देख ले, पैन कार्ड भी देख ले, और कुछ देखना है बता। शक्ल मैच हो गई, आधार कार्ड मैच हो गया, पैन कार्ड मैच हो गया, आरसी बुक मैच, सब कुछ मैच हो गई है। ला लाख रुपए नहीं दिया उसने। अब बताओ, गाड़ी दिखा के पेपर दिखा के भी क्लोजिंग नहीं हो रही है या नहीं है ऐसे लोग? फिर उसका भांजा, सर छोड़ो ना, मैं समझाता हूँ मामा। बोला तू ही लाया ना मामा को, तो मुझे तो समझाने दे थोड़ा, तेवा तो कभी नहीं सुनेगा, जब हमारा नहीं सुनवाए तो तेवा क्या सुनेगा। फिर वोते वोते 3 आईडी का पैसा दिया, 30,000। 30,000 तो लिए हम लोग, मैंने काम किया कि नहीं किया पता नहीं। यानी ये करने का मतलब है, लोग बड़ी शक की निगाह से हमको देखते हैं, सही बात है कि नहीं? और मेरा पर्सनल मानना यह है, तो उसको गाड़ी दिखा दे, कुछ भी दिखा दे, उसको नहीं करना है तो साक्षात विष्णु जी आ जाए तो भी नहीं करेगा, और नहीं करेगा। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मैंने कई साल पहले बताया नहीं किए यार, अब जाके बताता हूं, अब तो बहुत देर हो गई, तब जल्दी थी तब भी नहीं आया। इनके सवालों का अंत ही नहीं है। और जब आप नया व्यक्ति जब ये बिजनेस लेके जाता है तो उसे भी कई लोग ऐसे ही सवाल पे सवाल पूछते हैं, और कई लोग डर जाते हैं। फिर वो सोचते हैं यार मेरा करियर बनेगा कि नहीं, मेरी इनकम आएगी कि नहीं आएगी, मैं इसमें फुल टाइम करूं कि पार्ट टाइम करूं। जो यंग लोगों तो बहुत कंफ्यूज होते हैं, आगे क्या होगा मेरा, कैसे बनेगा। फिर लोगों की बातें हम सुनना शुरू कर देते हैं, और होता क्या, रियलिटी की लाइफ ये होती है हमारी, ये ड्रीम लाइफ है हमारी, और असली लाइफ ये होती है, सही बात है ना? ये हकीकत की लाइफ है अपनी, हम हकीकत में ऐसा ही जीते हैं। जब हम बोलते माय लाइफ स्टाइल से, तो ड्रीम लाइफ में आ जाएगा। यू चेंज योर लाइफ फ्रॉम, इसके लिए हमारा नाम ही है ना, बिजनेस का स्लोगन कितना बढ़िया है, इट्स माय लाइफ इट्स माय स्टाइल। तो अपनी लाइफ को बदल सकता है, लेकिन वो बदलता नहीं है, उसे डर लगता है, चलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, कितना दिन चलेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर घर के लोग भी हमें बोलते, तू एक काम कर, इसे साइड बाय साइड करते रह, अच्छी नौकरी कर ले, जॉब कर ले, कुछ दूसरा काम धंधा कर ले। और फिर वो दूसरे काम में चले जाता है, और फिर धीरे धीरे कुछ लोग हमारे बिजनेस से भी आउट हो जाते हैं, और उनको लगता है इस बिजनेस में पैसे आते नहीं है, इतना आसान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और फिर आम आदमी की जीवन क्या होती है, अगर एक आदमी जिंदगी में जॉब, आप में से कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे, कहीं ना तो कहीं जॉब पे हैं, काफी लोग जॉब करते हैं, वेरी गुड। मैं भी जॉब करके इस बिजनेस में आया,
आप जब जॉब करते हैं तो एक आदमी कितने साल का जॉब का करियर होता है उसका पूरा लाइफ में? 30-40 साल तो करता है ना जॉब। 30-40 साल की जॉब के बाद भी वो क्या पा सकता है? अगर देखेंगे, अगर वो जॉब भी कर रहा है या कोई दूसरा काम धंधा भी कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा ये बनता है, यानी मैं बड़े अच्छे मकान में नहीं तो कहीं 2 BHK का एक घर खरीद सकता हूं, या छोटा सा एक 70-80 गज की कहीं प्लॉट खरीद के एक छोटा सा मकान बना सकता हूं 2 BHK का, एक छोटी गाड़ी ले सकता हूं, बच्चे को छोटे किसी स्कूल में पढ़ा सकता हूं, बीमारी में कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल में चले जाता हूं। गांव साइड में तो मैंने देखा है ना, डॉक्टर को बुला के लाते और बोलते 2 बोतल चढ़ाओ इसको, होता है ना ऐसे, किसी को भी बोतल चढ़वा देते और इंतजार करते गया कि बचाइए। तो ये लाइफ हम बड़ी मुश्किल से जी पाते हैं ना। आप देख लीजिए हमारे आसपास गांव में, समाज में, हमारे आसपास जो भी लोग हैं वो ऐसे ही लाइफ जीते हैं, क्योंकि आज के समय में ये सपने कब पूरे होंगे पता है आपके? हमारे एक लीडर हमेशा बात करते हैं, उनके स्पीच में बताते हैं, आप कितना पैसा कमा रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने पैसे बचाते हो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बचे हुए पैसे से ही आपके सपने पूरे हो सकते हैं। अभी आप सोचिए, अगर ये सब पाना, इसकी टोटल लगाओगे तो कितनी होगी? मेरे ख्याल से 1.5-2 करोड़ तो चाहिए कम से कम। तो हम ये नहीं चाहते, हम फिर ये एडजस्टमेंट वाली लाइफ में जीवन यापन कर लेते हैं और पूरी लाइफ उसी में निकाल देते हैं, क्योंकि माय लाइफस्टाइल करने जाएंगे तो लोग सवाल बहुत पूछते हैं, हम सवालों में आ जाते हैं। लेकिन आपको अगर ड्रीम लाइफ चाहिए और जो आप माय लाइफस्टाइल से बड़े सपने देख रहे हो, अगर उसे पूरा करना है तो उसका एकमात्र चीज है जो मैंने समझा है, वो ये है, आपको माय लाइफस्टाइल से बेइंतहा मोहब्बत होनी चाहिए, तो ही आप ये काम कर सकते हैं। क्यों इतने लोगों के सवाल में झेल लूं? क्यों इतने सवाल है ना हमारे पास, क्यों मैं इन सवालों को झेलूं, क्यों सुनूं, क्यों मैं लोगों के घर घर जाऊं, क्यों मैं लोगों को बार बार कॉल करके बुलाऊं? ये वही कर सकता है जिसको माय लाइफस्टाइल से प्यार है, जिसको ये काम करने में मजा आता है। अगर आपको माय लाइफस्टाइल करने में मजा आता है तो कोई आपका फोन नहीं भी उठाए तो आपको मजा आएगा। क्या आज भी सोना फोन नहीं उठाता है? आप दुखी नहीं बनोगे, आपको दुख नहीं होगा, आप मजे लोगे, मजे। जैसे किसी ने कहा ना, मेरा नंबर ब्लॉक कर देता है। हम लोगों के भी नंबर कईयों ने ब्लॉक किए, कई तो आज तक ब्लॉक में ही रखे हमको, लेकिन हमको मजा आया, हम उसके घर ही सीधे पहुंच जाते, कैसा है साला ब्लॉक करके रखा है, अबे नहीं वे गलती से हो गया, वो बच्चा खेल रहा था, खेल में हो गया, बच्चा नहीं तू खेल रहा था साले, क्या हमको पागल समझता? हम ये सब जानते हैं। फिर उससे कभी बिजनेस की बात नहीं करना, उससे बोला चल चाय पिला, अब खाने का टाइम है तो खाना भी मांगो, बस इसके लिए आया था तुझे देखने के लिए, तू ठीक ठाक है कि नहीं, तेरा हाल लेने आया था वे, मुझे चिंता हो गई थी साला तेरा फोन नहीं लगाई कि नहीं तू। अब सुन, अगले हफ्ते फिर कॉल करूंगा, उठा लियो, अगर नहीं किया तो फिर हाल चाल लेने आ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने मजे लिए ना, हम दुखी नहीं हुए। कई लोग दुखी होते, सब क्या है ये, कौन से धंधे में आ गए हैं हम, साला कल तक मेरा दोस्त रोज रात को 9 बजे बुलाता था, आजा अपन साथ में ग्लास टकराते हैं, और जब से ये बिजनेस में आ गया हूं फोन छोड़ो, मुझे बुलाता ही नहीं, उल्टा मुझे बोला तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, तू साला टेबल पे भी बैठ के हमको माय लाइफस्टाइल बेचता है, तू नहीं आएगा, साला दोस्ती टूट गई हमारी सर, सालों की दोस्ती, कौन से बिजनेस में आ गए हम लोग, लोगों को अपनी दोस्ती पे आ रही है। मैं बोला ऐसे दोस्त किस काम के यार, जो तेरे साथ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हैं, चल मत बिजनेस कर यार, तेल शैंपू साबुन तो ले ले। मैंने कईयों को देखा, सच बोलता हूं, हमारे मुंबई में साले बाब में जाके 1000 का बिल भरेंगे, लेकिन हमसे 1000 का सामान नहीं खरीदेंगे,
पता नहीं कौन सी दुश्मनी है उनको। बहुत झमेले देखे हम लोगों ने इस बिजनेस में, लेकिन फिर भी टिके रहे। क्यों टिके रहे? क्योंकि हमको इस काम में मजा आया, मजा आया काम करने में, मजा आया। आप बोल दो सर हम जाते हैं हमें लोग नहीं मिलते हैं, सर मैं कहीं चले गया, उसके घर गया, आपके पास कई बार होता होगा सर वो मीटिंग को गया था और वहां जाने के बाद वो आदमी गायब, उसका फोन ही बंद आता है। कितना किलोमीटर गए? 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ना, हम लोग 300-400 किलोमीटर जाने के बाद आदमी गायब है वहां से। कितना गुस्सा आया होगा, चला पहले ही बोल दे, वो भी पूछ के गए थे और उसी ने बुलाया था, चला वही गायब हो गया। एक से खतरनाक लोगों को देखे लेकिन गुस्सा नहीं किए, मजा आया, क्योंकि इस काम में हमको बहुत प्यार है, मजा आया। ठीक है, नहीं मिला साला अगले बार मिलेगा, जाएगा कहां तू। ये सारे झमेले होंगे। लोग बोलते सर ऐसा क्यों होगा, अगर काम इतना अच्छा है तो लोग लेते क्यों नहीं? यही तो मुसीबत है, अच्छा चीज लेता कौन है? कौन लेता अच्छा चीज बताओ? लेते नहीं लेते? दूध कैसे आता आपके घर? कोई लाके देता है ना, और दावों कैसे आती है? लेने जाना पड़ता है ना, लेने लेने जाना पड़ता है। सोचो अच्छी चीज बेचारा दे के जाता है, उसका पेमेंट कब दोगे? कोई दावों की दुकान देखिए उधार भी देता है। ये हकीकत है दुनिया की भाई, ये दुनिया की हकीकत है। मेरे बिजनेस में ऐसा नहीं है, मुसीबत इसी काम में ऐसा नहीं है, हर काम में मुसीबत है भाई, हर काम में मुसीबत है। कई लोगों को जानता हूं 7-7 साल से लेटर लेके घूम रहे, गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट लेटर, अपॉइंट भी हो गए हैं, ड्यूटी नहीं मिल रही बेचारे को, बच्चे भी बड़े हो गए उस आशा में कि अब तो लगेगी ड्यूटी। कुछ साल के बाद बच्चे बोले तू हट, अब मैं लगाता हूं अपनी ड्यूटी। ये हकीकत है, फैक्ट है। 2 साल 4 साल 6 साल से लोग इंतजार कर रहे, और पता नहीं हमारे देश में ऐसा क्या, हम सरकारी नौकरी के बड़े दीवाने हैं। अभी नीति आयोग ने एक रिपोर्ट सबमिट की है, रिपोर्ट क्या कहती पता है क्या? वो ये कहती कि सरकारी नौकरियों के पे आउट कम किए जाए। यहां पे कौन सा ये चलता है, 7वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, 7वां चल रहा है, 8वीं की भी उम्मीद है। उनका ये कहना है हम ज्यादा पे आउट देंगे। देखो लोग क्यों सरकारी नौकरी के दीवाने हैं, एक तो अच्छा पेमेंट मिलता है, दूसरा काम करना नहीं पड़ता, देखो सबको पता है काम नहीं करना पड़ता है, और तीसरा अंडर टेबल ऊपरी कमाई बोलते ना, ऊपरी कमाई। ये 3 मेंटल एटीट्यूड है हमारा सरकारी नौकरी के प्रति, अच्छा पेमेंट मिलेगा, काम करना नहीं पड़ेगा, और अच्छी सेटिंग हो गई तो ऊपरी कमाई भी मिलेगी। और नीति आयोग की इस रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा है आप अगर पेमेंट कम कर देंगे, काम के समय को बढ़ा देंगे, तो बहुत सारे लोग इस नौकरी में नहीं आएंगे। ये वो बोल रहे, हो सकता है अचानक कल को कुछ भी हो जाएगी, ये सरकार कुछ भी कर सकती है, अचानक 7वां नहीं है वापस 4था मिलेगा, जिसको करना है करो नहीं तो जाओ। यानी ये हमारे देश में सरकारी नौकरी के पीछे लोग दीवाने पड़े हैं। मैं ऐसे कई लोग जानता हूं घर की जमीनें बेच बेच के पैसे देते हैं, सब हमें भी लगा दो, है या नहीं ये फैक्ट? यस, ये हकीकत है। और वो सिचुएशन में माई लाइफस्टाइल बताओ तो उसे बड़ा मुश्किल लगता है, ये काम कैसे होगा, ये कैसे हम जाके बताएंगे, और ये कहां ये सब छोटे छोटे चीजें खरीदते लोग, दुनिया भर का सवाल करेगा। अक्षय कुमार को देखा आपने? यस। क्या करता हो? बड़ा एक्टर है पता है, और टॉयलेट क्लीनर कैसे बेचता है ना, घर में घुसता है और जबरदस्ती घुसता है,
ये बोल के मुझे तेरा टॉयलेट चेक करना है, क्या जरूरत है उसको घुसने की? पैसा मिलता है सर। ओ हार्पिक डाल के साफ भी करवाता है, तब तक वहीं खड़ा रहता है शायद। इतना बड़ा एक्टर किसी के भी घर में घुस जाता है, वो भी मीडिया वाले को भी लेके चलता है साथ में, तू भी चल रहे तब तक खड़ा रहेगा वहां। अब हम और आप, हमको शर्म आती है, या तो हमारी इज्जत ज्यादा है अक्षय से या तो पागल हो गया है, दो में से एक है, सही बात है ना? या तो पागल हो गया, गली गली जाके बेच रहे पागल। जितने भी बड़े स्टार सब बेच रहे भाई, कौन नहीं बेच रहा है बताओ? सब बेच रहा है। अमिताभ बच्चन ने तो दुकान ही खोल ली है लगता है, उनके बंगले के बाहर लिखा है आओ मैं आपका सामान बेचूंगा। सब बेच रहे हो, हमें आपको यह काम नहीं करना है। हम चाहते हैं ऐसा कुछ बताओ कि लोग मेरे पीछे पीछे आए। अब ये कभी भी होगा नहीं। आपको ये सारे सवाल, ये सारे झमेले सब झेलने पड़ेंगे, और वो वही झेलेगा जिसको इस काम से प्यार है। मजा आना चाहिए काम में, मजा आना चाहिए। पता है कटरीना कैफ को जानते हो? कहाँ मिली थी? मुझे भी नहीं मिली। हाँ गए थे क्या उसके शादी में? हाँ जी, हाँ अच्छा बुलाया था। देख कितने बड़े लोग हैं यहाँ पे, हम ही से फेंक बेटा। उनके लाइफ में सलमान खान नाम के एक बड़े एक्टर आए जिन्होंने उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन उनका प्यार कंडीशनल प्यार था। कटरीना ने ना बोल दी, मुझे कंडीशनल प्यार करने वाले लोग पसंद नहीं। फिर उनके लाइफ में रणबीर कपूर जी आए, उन्होंने भी उनसे प्यार किया लेकिन कंडीशन के साथ, उसको भी ना बोल दी क्योंकि कटरीना को कंडीशन पसंद। फिर उनके लाइफ में आए विकी कौशल जी, जिन्होंने अनकंडीशनल प्यार किया, कटरीना उसकी हो गई। वैसे ही जितने लोग माय लाइफस्टाइल से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, माय लाइफ स्किल जिंदगी बदल देती है। अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए माय लाइफ। लोग कंडीशन के साथ काम करते हैं, तुम प्रोडक्ट लाके दोगे क्या तो मैं बेचता हूं, तुम मेरी एक लाइन चलाते हो क्या तो मैं काम करता हूं। मुझे तो कई लोग ऐसे बोले तेरे बिजनेस में कितना पैसा लगता है? मैं बोला जितने का प्रोडक्ट खरीदो। तू बोल कितने का लूं? मैं बोला ले लो 10,000-20,000 का, चल मैं 50,000 का लेता हूं। बोला वाह कितना अच्छा आदमी है, लेकिन सुन वो लाइन वाइन तू ही चला, मेरे को मत बोल। पैसा भी देगा प्रोडक्ट भी खरीदेगा लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा। मुझे कई लोग बोले सर मेरी बड़ी पहचान है, आपको बोलो कितने लोग चाहिए। बोला आप जितने लाओ। नहीं मैं बहुत लोग ला सकता हूं लेकिन सुन मैं नहीं बताऊंगा। तो बताएगा कौन? मैं पागल? तू नहीं बताएगा तो बताएगा कौन? नहीं मैं तुझे नाम नंबर दे देता हूं, तू जाके बात कर ले। बोला ठीक है आप फोन कर। नहीं नहीं मेरा नाम मत बताना उधर। तो ये कौन सा कंडीशन है? और पैसा पूरा चाहिए उसको लेकिन नाम नंबर मेरा मत बताना, ऐसे ऐसे कंडीशन। तो क्या लगता है माय लाइफस्टाइल कर पाएगा? मैं कई लोगों को जानता हूं कैसे काम करते पता है। देखो मैं पहले, मुझे कोई ट्रेनिंग देने नहीं आता, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मुझे केवल प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने किया मैं वही आपको बता सकता हूं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं अपलाइन का इतना इस्तेमाल करते कि हद हो गई। अपलाइन उनके घर के बाहर जाएगा अपनी मोटरसाइकिल लेके, तो भाई साहब घर से निकलेंगे, उसकी गाड़ी पे बैठेंगे और तब जाएंगे मीटिंग करने, और अपलाइन वापस लाके उसके घर पे छोड़ना भी चाहिए। अगर बीच में कहीं छोड़ दिया तो दूसरे दिन से फोन नहीं उठाता, कैसा अपलाइन है रस्ते में छोड़ के चले गया। यानी वो अपलाइन है या ट्रांसपोर्ट चला रहा है? इससे अच्छा तो ऑटो वाला है फिर। यानी हम अपलाइन का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों को मैं देखा लॉगिन ही नहीं जानते। आप करते लॉगिन? यस।
लीडर लोग ही करते लगता है, आपके टीम में लोग करते लोग ही yes. सिखाए उनको yes. कई लोगों को मैं देखा, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, जेटीसी बन गए, लॉगिन का पता नहीं, कौन कहां किसी का ज्वाइनिंग लेके आते हैं और फिर अप्लाइंग को बोलेंगे सर लगा दो इसको कहां पे चालू का वो देखो मेरा आईडी कौन सी साइड ज्यादा है, ओ आर जी वन उसको तो ओ आर जी 1 2 भी नहीं समझता, लेफ्ट वाइड समझता है, अच्छा दाएं हाथ में उधर कम है, हाँ खोलो कौन है उधर, देखो 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 उसके नीचे जाओ उसके, हाँ लगा लगा उधर लगा अरे किसका आदमी है, किसने क्लोजिंग लाया है, ओ आर जी वन की क्लोजिंग डाल रहा है ओ आर जी 1 2 में क्योंकि मेरा कम है सोच देखो कैसे, पता ही नहीं मैं क्या कर रहा हूं। मुझे ऐसे कई लोग आके मिलते हैं 1 साल बाद 6 महीने बाद, सर मेरा आदमी ना उनके टीम में चले गया, तो तू कहां था तभी नहीं इनको बोला लगाओ तो लगा दिया उधर, और ये सब पता भी 3 महीने बाद चला उधर काम कर रहा है, पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि कभी आईडी नहीं ओपन किया, अप्लाइंग के भरोसे बैठा है। भैया आप अकाउंट में किसी को अपना पासबुक दे दो, पैसा दे दो, बोलते मेरे खाते में डाल दे, वो गया बैंक में खाते में भी डाला, आपके नहीं किसी और के, चेक कौन करेगा, कौन चेक करेगा भाई मेरा अकाउंट है, मुझे तो देखने आना चाहिए, नहीं भी पढ़ा लिखा है घर में तो कोई पढ़ा लिखा है, पूछ भैया पैसे दिए थे 2000 डाले कि नहीं बता, पासबुक देख के तो समझेगा, यहां तो हद हो गई, पासबुक भी अपलाइन के पास ही पड़ा है तो देखेगा क्या हो? और बोलते बहुत प्यार है माई लाइफ स्टाइल से, कहीं का प्यार है तेरा सलाम, पड़ोसी के पास है तेरा प्यार तुझे पता ही नहीं तेरा बिजनेस है कहां। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जब माई लाइफ स्टाइल में आए थे, उनको कंप्यूटर से लॉगिन से कुछ लेना देना नहीं, उन्होंने जिंदगी में कभी चलाया ही नहीं, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद वो इतने चेंज हो गए, आज वो सारा काम करते जो आईटी में पढ़ा हुआ आदमी काम करता हो, ये आदमी अपनी माई लाइफ स्टाइल में सब कर लेता है। ऐसे कई लोग मैं जानता हूं, वो आपसे तेज लॉगिन कर देगा, आपसे तेज केवाईसी एनईएफटी कर लेगा, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन कब करके सीख गया है, सीखने की चाहत थी उसकी, सीखा क्योंकि उसे इस काम से बहुत प्यार था, सीखा, सीखना पड़ेगा बे इंतहा, इस काम में अगर प्यार है तो सारे जुल्मो सितम सहने के लिए भी लोग तैयार है, अब उसको मजा आता है काम करने में, और यही मजे के साथ जब आप फील्ड में जाते हो ऐसे हंसते मुस्कुराते एकदम, आपका एटीट्यूड ही ऐसे रहता है यार मैं तो जा रहा हूं माई लाइफस्टाइल के बिजनेस में, लोग कुछ भी बोले लेकिन ये दुखी नहीं होता है। और याद रखो जब भी फील्ड में निकलो फोन साइलेंट में रख के ही किसी के घर जाना, अगर आप 1-to-1 प्लान देने जावे तो फोन साइलेंट में रहे, कभी घर से फोन आ गया तो कितने लोगों का घर से फोन आना उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, साला उठाई मत तू, बाद में बोध कर ले, घर वाले पूछे क्यों नहीं फोन उठाया, बाइक चला रहा था, कितना अच्छा बहाना है अपने पास। घर से निकलते समय कुछ हो या ना हो आपके चेहरे पे एक मुस्कान जरूर होनी चाहिए, हंसते मुस्कुराते निकलेगा, आप माई लाइफ स्टाइल करने जा रहे हो, बिजनेस लेके जा रहे हो, किसी के घर उदास होके जाओगे तो क्या बोलेगा, हे भगवान मेरा दोस्त इतना उदास है इस बिजनेस में, मुझे भी नहीं करना है, लेकिन आपको देखेगा इतना हंसता मुस्कुराता खुश है तो क्या बोलेगा, यार मेरा दोस्त माई लाइफ स्टाइल में इतना खुश है तो जब कुछ तो बात है, मुझे भी इसके साथ ये बिजनेस करना है। ऐसे हंसते मुस्कुराते एटीट्यूड के साथ जाओ और तब आपको सीखना है राइट वे क्या है माई लाइफ स्टाइल का। यहां 2 वे हैं, एक आपका वे और एक राइट वे, आप अपने हिसाब से चलोगे तो इस रास्ते पे मुश्किल है पहुंचना।
आपको किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? बिजनेस के हिसाब से, जो राइट वे बताती है। बिजनेस में मैंने तीन चीजें सीखी हैं। पहली चीज, लर्न करो, बिजनेस को सीखो, जितना हो सके उतना सीखो। आज भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, बिजनेस को सीख सीख के अभी तक हार्डली 10% भी नहीं समझ पाए हैं डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। लर्निंग और अप्लाई, लर्न अप्लाई, लर्न अप्लाई, लर्न अप्लाई, सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो, सीखो अप्लाई करो, ये दो प्रोसेस लगातार करने पड़ेंगे, तब तीसरा प्रोसेस आपके लिए काम करेगा, दैट इज डुप्लीकेट। आपका वही काम आपके लोग भी करने लगेंगे, वो भी लर्न अप्लाई करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, डुप्लीकेशन होगा। जो मैं करता हूँ वही मेरी टीम करती है। जब मैं नया नया इस बिजनेस में था तो मैं लोगों को बिजनेस बताता था, प्लान समझाता था, प्रोडक्ट कंपनी का नॉलेज सब कुछ देता था, लेकिन मेरी क्लोजिंग नहीं होती थी। मुझे ये लगता था कि लोग खुद से पैसे देंगे, और लोग पैसे ही नहीं देते हैं, ये आप भी अच्छी तरह जानते हो। तो ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे मुझे ये समझा कि क्लोजिंग कैसे की जाती है, और क्लोजिंग में ये पता चला कि लोग पैसे देते नहीं हैं, आपको पैसे निकालने आने चाहिए। कुछ तो ऐसी बातें बोलनी पड़ेगी जिससे कि लोग पैसे दे। मैंने सीखा हो, मुझे बताया गया तू पैसे की बात कर, क्लोजिंग पॉइंट पे आ, तू सब चीज बताता है, दुनिया भर का ज्ञान देता है, क्या मतलब अगर सेल्स क्लोज नहीं हुआ तो? बात कम कर लेकिन तेरी क्लोजिंग होनी चाहिए। और मैं ऐसे ऐसे लीडर को भी जानता हूं, 10 आदमी के साथ बैठेंगे ना, 10 में से 10 की क्लोजिंग लेके आएंगे, दे आर द मास्टर। कैसे भी आदमी बिठा दो, गरीब से गरीब बिठाओ, अमीर से अमीर बिठाओ, किसी को भी बिठा दो, दे आर क्लोजिंग मास्टर। ऑन द स्पॉट पेमेंट लेने की आदत डालिए आप, कल परसों पे पेमेंट नहीं चाहिए, आज अभी इसी वक्त, और ये सीख सकते हो आप, ये लर्निंग, ये आपके लीडर आपके सिखाएंगे। अलग अलग क्लोजिंग के मंत्रा देते हैं, और मैं सबसे बेहतरीन मंत्रा ये जानता हूं, तू फील्ड में जा और लोगों से बात कर और क्लोजिंग की टेक्निक यूज कर, तू खुद ही मास्टर बन जाएगा। आदत डाल, मैंने आदत डाली, मैंने चेंज किया अपने आप को, मैं क्लोजिंग ओरिएंटेड बात करने लगा, तुम्हें भी क्लोजिंग बढ़ी, ये अप्लाई का नतीजा है। तो लोग सीखते बहुत कुछ है, बहुत ट्रेनिंग ले लेंगे, ट्रेनिंग की तो लाइन लगी हुई है यार, आज कितनी ट्रेनिंग चाहिए आपको बताओ? अभी तो यूट्यूब आ गया, बड़े बड़े ट्रेनर बैठे हैं वहां पे, हर टॉपिक पे ट्रेनिंग है या नहीं है? लेकिन आप सीखते हो, क्या मतलब है सीख के अगर उसका अप्लाई नहीं किए तो? अप्लाई करना सीखो भाई, फोकस होगा तो अप्लाई करोगे। आपका फोकस ही नहीं है बिजनेस तो अप्लाई नहीं होता है। मुझे याद है फ्राइडे हमारे बिजनेस का कितना इंपॉर्टेंट दिन है। अभी चार दिन हमारी डीएच कदम सर की होटल ताज में मुंबई में उनके एनटीसी के साथ मीटिंग चल रही थी, और उस समय हम लोगों ने यही दिन याद किए कि शायद संजय सर को भी याद होगा, सर फ्राइडे कैसा होता था पहले का हमारा? निकलते थे ना एक दिन दो दिन पहले, बुधवार से वीपी बढ़ना चालू होता था, बुधवार से टेंशन बढ़ना, फ्राइडे आ गया, थर्सडे को और ज्यादा भी, अभी कल फ्राइडे, कल क्लोजिंग है, इसका पेमेंट लाना, इसकी बाकी क्लोजिंग, उसके उसको फोन कर, यहां चल वहां चल, और फ्राइडे को तो क्लोजिंग हमारी जानी ही जानी है। हर हाल में फ्राइडे को बिजनेस जाता था, और कितना मुश्किल था उस वक्त, आज तो सारी सुविधाएं मिल गई है सर, हम ढूंढते थे बैंक कहां पे कम पैसे में डीडी बने, डीडी बनाते थे, याद है ना, कम पैसे में सेटिंग होती थी, लोग तू कहां पे, मैं ये बैंक में, कितना डीडी बना हुआ, 3, रुक मैं भी आ रहा, 2 और फॉर्म भर के लाइन में खड़ा था, लाइन लगाना पड़ता था भाई, क्या मुसीबत थे, लेकिन काम का अलग ही मजा था वो। आज फ्राइडे पे फ्राइडे बीत जाते भाई साहब को याद ही नहीं है, उसको फोन करते भैया आज फ्राइडे, हाँ आ गया फ्राइडे, अभी तो गया था, याद ही नहीं है। हम वीकली बिजनेस में है, वीकली, और अब सिस्टम हमारा वीकली से कम मंथली हो गया, हमें ही नहीं समझ में आया। अभी मैं कुछ दिन पहले चेन्नई में था, हमारे सीईओ साहब कैलाश से बोल रहे, ये तुमको कैसे काम करते हो? मैं बोला क्या हुआ सर?
ये पहले दूसरे हफ्ते तुम लोग कहां रहते हो, कुछ बिजनेस ही नहीं आता है, और चौथे हफ्ते में 10 गुना ज्यादा बिजनेस कैसे आ जाता है, होता है या नहीं होता है? आपका बिजनेस कब आता है? पहले दूसरे हफ्ते में आता है, चौथे हफ्ते में? चौथे हफ्ते में ना 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज्यादा। बोला सर चौथे हफ्ते में हमारे अंदर देवी माता आ जाती है। क्या है ऐसा यार जो तू सारा बिजनेस चौथे हफ्ते में डाल रहे? भैया ये वीकली बिजनेस है, 7 दिन में पैसे आने चाहिए, यानी आने चाहिए, 7वें दिन में तेरा बिजनेस क्लोज होना ही चाहिए, क्यों तू चौथे हफ्ते का इंतजार कर रहा है? और जो जो लोग चौथे हफ्ते में काम करते हैं उनके सपने कभी बड़े पूरे नहीं होते, क्योंकि वो सपनों के लिए काम नहीं कर रहे, वो अपना दिन चलाने के लिए काम कर रहे हैं। अपना खर्चा निकालने के लिए 4 हफ्ते का कैलकुलेशन बना रहे ये, अब उससे आप बड़ा पैसा कभी भी नहीं बनाओगे। याद रखो इस बिजनेस में एक नियम है, पहले 2 वीक में इतना पैसा आ जाना चाहिए जिससे आपका ब्रेक इवन निकल जाए। ब्रेक इवन यानी आपका घर का खर्च, बच्चों की फीस और आपकी जो ईएमआई होगी, कार की ईएमआई, पर्सनल लोन की, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस है ना यहाँ पे, देते ना ये लोग, यहां से जो भी आपने ईएमआई होगी, ये सारा खर्चा आपका कब आ जाना चाहिए? पहले 2 हफ्तों की इनकम से। अगर ये 2 हफ्ते के इनकम से आप कर लिए तो अगले 2 हफ्ते का पैसा और मंथली का इनकम, इससे आपके बड़े सपने पूरे होंगे। याद रखिए जिन जिन लोगों को ये फॉर्मूला हमने बताया और उन लोगों ने इस नियम से काम किया, सर पहले 2 हफ्ते हम भी यही काम करते हैं, थोड़ा मुश्किल है, मैं नहीं बोलता आज हो जाएगा, अगर तू फोकस है तो 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, लेकिन 4 से 5 महीने बाद ना हर महीने तू ब्रेक इवन पहले 2 हफ्ते में निकाल लेगा और अगले 2 हफ्ते मंथली इनकम से तू अपने बड़े सपने पूरे कर लेगा। क्या वजह है कि माई लाइफस्टाइल में लोग साल 2 साल में बड़ा पैसा बना लेते, क्या वजह है? आप भी देखते हो, बोलते सर ये तो अभी आया था बिजनेस में और 3 साल में इसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीद ली, 3 साल में ये एनटीसी बन गया, सीटीसी बन गया, ऐसा क्या काम किया? इस लॉकडाउन में एक व्यक्ति है, लॉकडाउन में 2020 फरवरी वो एसटीसी थे और आज इस बिजनेस में सीटीसी है, सोच सकते हो? दो बोलते सर मार्च में लॉकडाउन लगा मैं एसटीसी बैंक पे था, तो ऐसा क्या काम किया इस लॉकडाउन में एसटीसी से आरटीसी, आरटीसी से एनटीसी, एनटीसी से सीटीसी? पता है कितना बिजनेस लाना होता है सीटीसी को? 10 करोड़। 5-5 करोड़ की मैचिंग करनी पड़ती है और इस व्यक्ति ने लॉकडाउन में किया है, उसके लिए भी लॉकडाउन था, हमारे आपके लिए भी लॉकडाउन है। और एक समय ऐसा आया था ओ उनकी वाइफ दोनों कोविड पॉजिटिव भी हुए, हॉस्पिटल में भी थे लेकिन ठीक भी हुए, लेकिन काम नहीं रुका उनका, ये होता है अपने काम से प्यार। और इस लॉकडाउन में आदमी एसटीसी से सीटीसी, ये लीडर जानते हैं एसटीसी से सीटीसी क्या, आज शायद जो नए हैं वो नहीं इतना समझ सकते हैं कितना बड़ा काम है, लेकिन किया। ऐसे कई उदाहरण है मेरे पास, 2-2, 3-3 रैंक बदल ली लोगों ने, क्योंकि उनको ये 2 हफ्ते वाला नियम समझ में आ गया, 2 हफ्ते में इतने पैसे बना लो कि मेरा महीने का सारा टेंशन निकल जाए, बाकी के 2 हफ्ते और मंथली इनकम से तेरे सपने पूरे हो जाएंगे। ये वही करेगा जो लर्न अप्लाई डुप्लीकेट, लर्न अप्लाई डुप्लीकेट वाले नियम को फॉलो करेगा। और ये कौन करता है? जिसका स्ट्रॉन्ग पर्पस है, जिसे ये पता है, जिसका गोल एकदम सेट है आपको क्या चाहिए। आप बोलोगे सर मेरा भी स्ट्रॉन्ग पर्पस है, ये मुझे भी हासिल करना है, मुझे भी घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, रिटायरमेंट फंड चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन सच में ये चाहिए क्या, ये आपको सोचना है। अगर तेरे गोल सही है, सही पर्पस है, तो आप कर लोगे। जब मैं इस बिजनेस में आया था मुझे याद है मेरे पास कोई सपने नहीं थे, मैं कोई ड्रीम लेके आया ही नहीं,
लोग बोलते थे ड्रीम बताओ, मैं घर सोच के आया, गाड़ी सोच के आया, लाखों करोड़ों रुपए मिलना है। मैं जब बिजनेस में आया तो मैं केवल ये सोच के आया था, अगर इस बिजनेस से, तब मैं जॉब कर रहा था, जॉब के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया, ये सोच के आया अगर इस बिजनेस से मुझे इतने पैसे आ गए जिससे कि मैं अपनी लाइबिलिटी की दुनिया से बाहर आ जाऊं। मैं बड़े कब्जे में डूबा था और 25-26 लाख की मेरी लाइबिलिटी थी और मैं ये सोच रहा था ये पैसे मैं कैसे दे पाऊंगा, और मैं न चाहते हुए जॉब कर रहा था। और उस वक्त मैं इस बिजनेस में, मैं बहुत देर से आया, ऐसे नहीं कि मैंने बिजनेस देखा तुरंत ज्वाइन कर लिया। मेरे लीडर ने बहुत समझाया मुझे, मैंने उनको बहुत समझाया, तुम भी छोड़ो साहब इतना आसानी से मैं मानने वाला नहीं था। आज मैं सीधा दिखता हूं, इतना सीधा हूं नहीं जितना दिखता हूं। मेरे घर वाले को पूछो बताएंगे मैं कितना हरामी था, अभी बदल गया हूं मैं। बड़े बड़े झमेले किए अपने लाइफ में और मुझे बोले राजेश में बहुत पैसा आता है। मैं बोला थोड़ा मुझे भी दे दे। बोले तू पागल मत बन, बिजनेस कर।